नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समानम पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे BS6 गाड़ी में आप डीजल टैंक लगवा सकते हैं। तो जो 14 टेरा गाड़ी है और 16 टेरा गाड़ी है, उसमें जो लंबे रास्ते पर गाड़ी चलती है, जो कच्चे माल के लिए है और लॉन्ग रूट पर गाड़ी चलती है, उनको डबल डीजल टैंक की ज़रूरत है। और इसका आपकी गाड़ी का चलान भी नहीं होगा, कई बार चलान होता है डबल टैंक का, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप चलान से भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये 14 टेरा गाड़ी मेरे सामने खड़ी है और ये लंबाई है 30 फिट की, 30 फिट की लंबाई के साथ जो आपका ये हिस्सा है डबल, जो डबल सेकेंड एक्सल और थर्ड एक्सल लिफ्ट एक्सल, इसकी जो स्पेस है 28 फिट और 30 फिट में सेम है, सिर्फ चेसिस पीछे से ही लंबी होती है। तो ये आपकी बिल्कुल सही। उसके बाद जो 28 फिट गाड़ी है उसमें दिक्कत ये आ जाती है, जो एड ब्लू टैंक होती है वो यहाँ पर प्लेस होता है साथ में, और डीजल टैंक भी बड़ा हो जाता है 365 लीटर का। जो 30 फिट में है उसमें सबसे बढ़िया डीजल टैंक फिट होता है उसमें, क्योंकि उसमें 300 लीटर का डीजल टैंक पहले से ऑलरेडी ड्राइवर साइड पर दिया होता है, यही 14 टायर में और यही 16 टायर में है, तो साथ में उसमें एड ब्लू टैंक है, तो यहाँ स्पेस अच्छी है। और इसके बावजूद यहाँ पर बैटरीज लगी होती हैं, 2 बैटरी यहाँ पर है, स्टैंड लगा हुआ है, तो वो आसानी से खुल जाती है। और जो भी ये वायरिंग है वो सारी डैशबोर्ड के आगे से आ रही है, तो वो सारी वायरिंग हम यहाँ पर रख जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बैटरी रखेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आती है, SCR सिस्टम DPF DOC जो लगा हुआ है, अमोक्स लगी हुई है, तो इसके जो हीट कैपेसिटी है वो 850 डिग्री पर ये काम कर रहा है, तो उसका हीट सारी यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ से इंसुलेशन देना हीट को बैटरी को, क्योंकि बैटरी के ऊपर रखी जाएगी, तो वो बहुत ही जरूरी होता है। उस चीज़ का आप पहले से ही अरेंजमेंट करके रखें ताकि आपकी बैटरी को कोई नुकसान ना हुए SCR सिस्टम से। और जब हम ये बैटरी खोल देंगे तो काफ़ी अच्छी स्पेस हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक ट्रांसपोर्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट बुक ऐप यूज़ कर आप इंडिया के सारे ट्रक ऑनर्स और ट्रांसपोर्टर्स आप अपने पूरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको एक पूरी डिटेल में यहाँ पर मैं साइड में यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें आपकी सारी ट्रिप की जानकारी, इंफॉर्मेशन जैसे कि पार्टी डिटेल्स, ट्रक नंबर, फ्राइट एडवांस और क्या आपको चार्जेज लगेंगे, खर्चे आप कितने हुए, अवेलेबिलिटी, और साथ में यहाँ पर प्रूफ ऑफ डिलीवरी स्टोर और मैनेज कर सकते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए भी यहां पर स्टोर कर सकते हैं। ट्रिप्स ऐड जब आप करते जाएंगे तो साथ ही साथ आपको पार्टीज और सप्लायर्स और ड्राइवर के यहां पर बैलेंस अमाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो जाएंगे, आपको कोई लेखा जोखा कैलकुलेटर के साथ नहीं करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको यहां पर ऐप में यहां पर आपको वन क्लिक पर मिलेगी। एक ही क्लिक में आपको पार्टी और सप्लायर्स के ड्यू रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको ये सारी डिटेल्स व्हाट्सएप या ईमेल से आप आसानी से दूसरे बंदे से भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ट्रक ऑनर जो हैं उनके सारे ट्रक्स की यहाँ पर फ्यूल खर्चे, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट्स और EMI तक भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपके बिजनेस को मंथली कितना प्रॉफिट हुआ और कितना आप लॉस में जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो तैयार रहेगा, आपका पूरी रिपोर्ट यहाँ पर महीने भर की यहाँ पर आप तैयार ले सकते हो। और ऐप के अलावा आप ट्रांसपोर्ट बुक लैपटॉप में भी यहाँ पर चला सकते हो, www.transportbook.in पर आप जाकर यहां पर वेबसाइट पर लॉगिन करके आप सारी जानकारी वहां पर दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे आप यहां पर ले सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ऐप बिल्कुल 100% सिक्योर है, जो भी आपका यहां पर डाटा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, आपका कोई भी डाटा सिर्फ आप ही देख पाएंगे, उसका एक्सेस सिर्फ आपको होगा। और मेन बात, ये ऐप बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप डाउनलोड जब करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं करेगा, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी ऐप है, आपका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। एक बार आप इस ऐप को इंस्टॉल करके आप चला कर देखिए और आपका बहुत ही बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। अभी हमने जो बैटरी है वो निकाल दी है, यहाँ पर अकेला स्टैंड रहेगा, स्टैंड भी हम निकालने वाले हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेस रह चुकी है, तो आसानी से यहाँ पर डीजल टैंक फिटेड होता है। डीजल टैंक फिट करने में सबसे बढ़िया उपाय क्या है, यहाँ पर 3 इंची के यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं यहाँ पर देते, और इस पर 2 तरह की आप डीजल टैंक फिट करवा रहे हो, डी टाइप और गोल, ओवल शेप और ओ शेप। और ये जो सुराख हैं ये हमने इस हिसाब से यहाँ पर मरवाए हैं ताकि यहाँ पर चेसिस में हम अलग शेक नहीं करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट वाले शेक हैं इन्हीं शेक का हमने काम लेना है, और साथ में यहाँ पर जो शेक हुए हैं और यहाँ पर शेक हैं इन्हीं शेक के साथ
तीन ब्रैकेट वाली डीजल टैंकी फिट हो जाती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है 390 से लीटर से स्टार्ट हो जाती है, 470 लीटर तक आप बड़ी से बड़ी लगवा सकते हो। दो तरह की डीजल टैंकी आती है, लोहे वाली और जिंक कोटेड। जिंक कोटेड ज़्यादातर चलती है, लॉन्ग लाइफ रहती है, उसको रस्ट नहीं पड़ता। जो लोहे वाली है उसको रस्ट ज़्यादा जल्दी लग जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और सेफ्टी के लिहाज से मेन बात हो जाती है, जब भी आप ब्रैकेट जब हम लगाएंगे तो नीचे यहाँ पर प्लास्टिक या रबड़ मैट लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है डीजल टैंक रगड़ नहीं खाएगा, आपकी लीकेज की आपकी बचत रहेगी। और उसी पास जो ऊपर के यहाँ पर ब्रैकेट्स रहेंगे जो ऊपर होल्ड करेंगे, उसमें मेन बात आ जाती है, यहाँ तो पत्ती सिंगल है, यहाँ पर डबलिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ से पूरा दबाव खींचे जाना है, नट बोल्ट का दबाव पड़ना है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर अगली टैंकी में दिखाता हूँ। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे आप डीजल टैंकी फिट कर सकते हो। सबसे पहले तो हमने आपको बताया भी ब्रैकेट लगा सकते हो आप, तीन ब्रैकेट, चेसिस में कोई शेक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेन बात आ जाती है, जब हम जो ब्रैकेट के साथ जो पत्ती लगाते हैं जो होल्ड करेगी डीजल टैंकी को, तो उसके साथ यहाँ पर नीचे रबड़ भी दी हुई है, तो रबड़ बहुत ही जरूरी है, यहाँ से जंग नहीं लगेगी। और नीचे जो ब्रैकेट है उसमें भी यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, और यहाँ पर देखो डबल नट बोल्ट की हैं। और मेन बात है इस गाड़ी में आ जाती है, क्योंकि ये गाड़ी की जो टैंकी है 390 लीटर की है, इसमें जब गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो जो डीजल है वो छलकेगा, आगे पीछे जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर जैसा वेल्डिंग लगी हुई है, यहाँ पर पार्ट एक पार्ट भी डाला हुआ है ताकि छलके ना, उसका बैलेंस है अंदर से डीजल टैंकी में बिल्कुल सामान्यत रहे। और साथ में मेन बात आ जा रही है जो ढक्कन है, ढक्कन हमने अपने एडुए से हिसाब से बनाया, जैसे यहाँ पर मेरा एडुआ आना है, यहाँ पर बॉडी लगनी है, जैसे वहाँ पर देख दो वहाँ पर एडुआ आ गया, ढक्कन बिल्कुल दोनों एडुए सेंटर में है। यहाँ पर ढक्कन में आप यहाँ पर लॉक लगा सकते हो, और साथ में छोटी सी बात, यहाँ पर रबड़ वाली डीजल टैंकी लगाते हैं, साथ में स्प्रिंग लगा हुआ है। इसका फायदा क्या है, जब गाड़ी में डीजल फुल हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हो इस तरह से आपका स्प्रिंग बैलेंस करे। और साथ में अंदर यहाँ पर डीजल टैंकी का जो ढक्कन है इसमें जाली भी लगाई हुई है ताकि आप डीजल चोरी ना कर सके। और घेज आप देख सकते हैं, घेज लगा करके कितना डीजल है वो इसके अंदर से आपको आसानी से पता चल पाएगा। मेन बात आ जा रही है, इस गाड़ी जो डीजल टैंक है, इस गाड़ी का दूसरी जो ओरिजिनल डीजल टैंक है उसमें हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके यहाँ पर सबसे मेन बढ़िया तरीका है, यहाँ पर नट बोल्ट सिस्टम लगाया हुआ है, एल्यूमिनियम की यहाँ पर वाशर भी लगाई हुई है, 18 mm का पाइप यहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ पर देख सकते हो डीजल टैंकी के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। साथ में यहाँ पर देख सकते हो मोटर लगी हुई है, सबमर्सिबल मोटर लगी है, पंप नहीं लगा हुआ, सबमर्सिबल मोटर है, हैवी मोटर, इसके ज़रिए 24 वोल्ट की है ये। और साथ में यहाँ पर उस डीजल टैंकी में सप्लाई होगा, और उसी डीजल टैंकी से आप गाड़ी में आप इंजन में यहाँ पर जाएगा। तो ये थी इस गाड़ी की पूरी डीजल टैंकी फिटिंग। और एक मेन बात, परमिट में आप डबल डीजल टैंक का गाड़ी का परमिट बनाइए तो आपका कोई चलान नहीं होगा, अगर आप सिंगल डीजल टैंक का यहाँ पर परमिट बनाएंगे तो आपका जरूर चलान होगा। आजकल नया परमिट जो बन रहा है उसमें डीजल टैंकी की, डबल डीजल टैंकी की ऑप्शन है। वो क्यों ऑप्शन है, क्योंकि टाटा की जो गाड़ियाँ आ रही हैं या लेलैंड की गाड़ियाँ हैं उसमें ट्विन डीजल टैंक की यहाँ पर ऑप्शन दी होती है, तो उसी वजह से आप ट्विन डीजल टैंक का फ़ायदा उठा सकते हो। मेन बात आ जाती है, जब भी ये डीजल टैंकी आप बनाएं तो यहाँ पर एक सेफ्टी गार्ड जरूर बनाना होता है, बॉडी बिल्डर को सेफ्टी गार्ड आप बनाकर चलिए तो उसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डीजल टैंकी आपको लगवानी हो तो कैसी भी आपको डीजल टैंकी लगवानी हो, 6 टायरा से लेकर 16 टायरा तक घोड़े की भी डीजल टैंकी यहाँ पर रह देती है। चलिए मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।